हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट गवर्नमेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गए थे और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बात चल रही थी। आज जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में जो बात चलेगी वो है फूड पॉइजनिंग की। अपना जो टॉपिक रहेगा आज का वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? देखो, आपने कई बार ये न्यूज़पेपर में, टीवी में ये आपने सुना होगा कि स्कूल में स्पॉइल फूड खाने से कई लोगों की कई जो बच्चे हैं वो बीमार हो गए। कई बार आपने खुद में महसूस करा होगा गर्मियों के टाइम में, खासकर ऐसे मौसम में जब गर्मी और बरसात होती है तो आप कुछ खा लेते हैं और आपको वोमिटिंग वगैरह, जी मचलाना, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें आपको महसूस हुई होंगी। ये क्या है, ये होता क्या है कि जो फूड है जो प्रिपेयर हो चुका है उसको कई देर तक रखा हुआ है, या सुबह का शाम का है, शाम का सुबह का है, तो उस फूड में वो ओपन में रखा हुआ है, अनकवर्ड है। कैसा है? अनकवर्ड, फ्रिज में नहीं रखा हुआ है। तो इस फूड में क्या होंगे? कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब इस फूड में है, ये क्या करेंगे, इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ जहरीले पदार्थ इसमें रिलीज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फूड है वो कैसा हो जाएगा, इनकी वजह से टॉक्सिक फूड हो जाएगा। कैसा फूड हो जाएगा? टॉक्सिक या फिर स्पॉइल फूड हो जाएगा। अब जैसे ही इस स्पॉइल फूड को या टॉक्सिक फूड को कोई भी ह्यूमन बींग यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, तो वो क्या होगा, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में थे, ये फूड उसके अंदर आया, तो उसके अंदर भी क्या चले जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे? ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर। और इसी की वजह से जो स्टमक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बिगड़ जाएगा, वोमिटिंग होंगी, नौसिया, जी मचलाना, सर दर्द, ये सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी क्योंकि ये हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर चुके थे। तो जरूरी है कि हम फूड हाइजीन का ध्यान रखें। किसका ध्यान रखें? फूड हाइजीन का, यानी फूड कैसा हो, अपना हाइजीन हो, साफ हो, सुथरा हो, विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, उसी को आप रेफरेंस दें खाने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया कुछ हैं जैसे कि सैल्मोनेला है, क्लॉस्ट्रिडियम है, फूड पॉइजनिंग के रिस्पॉन्सिबल, फूड पॉइजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कुछ बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो सैल्मोनेला है, अपना क्लॉस्ट्रिडियम है। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग का कारण वो बन जाता है। कुछ फंजाई भी है जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम, कुछ फंजाई हैं इनके ग्रोथ होने से भी एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये कुछ फंजाई हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग या फूड स्पॉइल हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज होती है, इसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो जरूरी है हम फूड पॉइजनिंग से अगर आपको बचना है तो आप स्पॉइल फूड को बिल्कुल ना खाएं, स्टील फूड यानी बासा फूड को आप बिल्कुल खाएं नहीं। अगर फूड आपको लंबे समय तक खाना भी है तो उसको आप या तो कई बार गर्म करें, क्योंकि हीट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें ग्रो कर रहे हैं वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या फिर उसको आपको बहुत ठंडा रखना है यानी रेफ्रिजरेटर में रखें, तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं ग्रो कर सकते। अब बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की। भोजन संरक्षण,
प्रिजर्वेशन का मतलब संरक्षित करना, उसको बचाना। तो फूड को आपका जो कुक फूड है, पका पकाया जो आपका फूड है, उसको आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने की जो प्रोसेस होती है या बचाने का जो तरीका, उसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। क्या है ये? फूड को स्पॉइल होने से क्या करना है आपको? बचाना है, सेव करना है, उसको क्या कहेंगे? फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फूड जो है वो स्पॉइल हो गया है? तो आपको पता चलेगा, एक तो बैड स्मेल, आपका जो फूड है अगर उसमें से कोई भी स्मेल आ रही है गंदी, तो आप समझ जाएं कि ये फूड आपका स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है, आप उसको कंज्यूम ना करें, या फिर उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा साथ ही साथ, भद्दा सा टेस्ट हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो टेस्टलेस हो जाएगा। प्लस जो स्टील फूड होता है, बासा फूड जो होता है, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू अफेक्टेड, यानी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है फूड के अंदर, जो पर्टिकुलर फूड है आपके पास, जैसे आपका दाल है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तो अगर वो स्पॉइल हो गया है और आप उसको खा रहे हैं ये समझ के कि हमको प्रोटीन मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पॉइल फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम हैं फूड स्पॉइल होने के, और इसको प्रिजर्व करने से फायदे क्या हैं, यानी कि क्या यूज है फूड प्रिजर्वेशन के, यूजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। पहला, आप फूड वेस्टेज बचा होने से बचा सकते हैं। पहला क्या है? फूड वेस्टेज नहीं होगा, फूड वेस्ट कम हो जाएगा। कैसे? मानो पहले तो आप कम फूड बनाए, जितना आपको जरूरी है उतना ही फूड कुक करें, जिससे कि वो फूड ज़्यादा बचे नहीं, बचेगा नहीं तो स्पॉइल नहीं होगा। अब ज़्यादा बना है और आपने उसको ऐसे ही रख दिया है कहीं भी अनकवर्ड या कैसे भी, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, उसको खाने से आप बीमार तो होंगे ही, और नहीं खाएंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, आपको वो फेंकना पड़ेगा, समझ में? तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप फूड को प्रिजर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फूड वेस्टेज नहीं होगा, ठीक। दूसरा, जो फूड स्टफ जो है वो स्टोर रहेंगे, यानी कि फूड आपके पास काफ़ी बचा रहे, जैसे आपके पास गेहूं है, अनाज है, कोई सीरियल्स हैं, आपने ज़्यादा बनाओगे वो वेस्ट तो होगा क्योंकि उस पर हो जाएगा, अगर आप कम बनाएंगे जिससे आपको यूज़ करें उतना ही, फूड को प्रिजर्व करेंगे, जैसे आपने फूड बना लिया काफ़ी सारा, और अगर आप उसको जितना आपने उसको खाया 50% आपके पास बचा रहेगा, और इसको आपने प्रिजर्व नहीं किया, सुरक्षित नहीं किया, तो वो क्या होगा? स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पर अगर आप उसको प्रिजर्व करेंगे तो ये 50% आपको नेक्स्ट टाइम आप खाने को मिल जाएगा, या फिर आप भी नहीं खाएं तो किसी और को देते तो वो खा लेगा, यानी कि फूड स्टफ आपका क्या है वो स्पॉइल होने से बचेगा। न्यूट्रिटिव वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बचाए रख सकते हैं, ठीक। तो ये बात, ये कुछ फायदे हैं अगर आप फूड प्रिजर्वेशन करेंगे तो। अब देखते हैं मेथड, फूड को प्रिजर्व करने के मेथड। तो कुछ मेथड हैं, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। पहला है बाय साल्टिंग, बाय एडिंग सॉल्ट एंड सुगर। अगर आप किसी भी फूड आइटम में जो कि जल्दी स्पॉइल हो जाता है उसमें आप अगर नमक लगा देंगे, यानी उसको नमक के घोल में डाल देंगे, या चीनी के घोल में डाल देंगे, सॉल्ट इन कर देंगे या शुगर कर देंगे उसके अंदर, तो वो फूड स्पॉइल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट के तो पिकल, कोई भी अचार है उसमें उसको क्या करते हैं, नमक के पानी के अंदर डाल देते हैं, जैसे कि आम है आपका, कच्चा आम कैरी है, उसको आप नमक के पानी के अंदर डाल दो तो वो लंबे समय तक चलेगा, 6-7 महीने तक आराम से चल जाएगा। अगर आप उसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे, जैसे कि बहुत सारे आपके जैम आते हैं, मुरब्बा वगैरह आते हैं, उसमें वो भी क्या है, अगर आप किसी के अंदर शुगर ऐड कर देंगे किसी भी फूड आइटम के अंदर, किसी वेजिटेबल के अंदर, तो वो लंबे समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो पहला मेथड हो गया बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। दूसरा मेथड है बाय ऑयल विनेगर एंड स्पाइसेस, बाय ऑयल विनेगर एंड स्पाइसेस। ऑयल विनेगर और स्पाइसेस किस में डालते हैं? पिकल्स, अचारों में, और अचार आपने देखे होंगे पिकल्स काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, यानी कि
ऑयल जो है वो फूड को स्पॉयल नहीं होने देता, या ये कह सकते हैं आप शुगर हुआ, साल्ट हुआ या ऑयल हुआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देते। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे तो फूड स्पॉयल नहीं होगा, प्रजर्व हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा, बच जाएगा बाय हीटिंग। ये भी है मेथड। अगर आपके पास लिक्विड फूड मटेरियल है जैसे मिल्क, और आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है या लाइट नहीं आ रही है, रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको 3-4 बार उसको बार बार क्या करें, गर्म कर दें, क्योंकि गर्म करने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग, ये भी एक मेथड है लंबे समय तक रखने का। आपको पता ही है घरों में फ्रिज है, जरा फ्रिज में कोई सामान रखते हैं, कोई फ्रूट रखते हैं, कोई वेजिटेबल रखते हैं, कोई बना बनाया कुक फूड रखते हैं, तो वो स्पॉयल नहीं होता। और बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें आप सर्दियों में गोभी आती है उसको रख दो, गर्मियों में भी यूज़ कर दो, क्योंकि वहाँ पे फूड स्पॉयल नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है आपका रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये क्या करता है, टेम्परेचर को कम कर देता है, कम टेम्परेचर में, ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में और ना बहुत कम टेम्परेचर में, दोनों ही टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। तो फ्रीजिंग एक मेथड है और हीटिंग भी एक मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। बाय स्मोकिंग, ये भी एक मेथड है, ये स्मोकिंग भी एक मेथड है, अजीब सा मेथड है ये। इसमें क्या किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है फूड को, फूड में से स्मोक के द्वारा उसके वाटर को निकाल लिया जाता है, और जब वो सूख जाता है तो वो लंबे समय तक चलता है। ड्राइंग भी इसी को कहता है, स्मोकिंग या फिर सन ड्राइंग, धूप में सुखा दो उसको आप, या तो स्मोकिंग के द्वारा उसको सुखा दो, जैसे आपके पास आलू है, आलू के चिप्स बना लें आप, या तो स्मोकिंग के मेथड से या फिर धूप में रख दो, उस मेथड से इसमें से जो वाटर है उसको आप निकाल दो, वाटर को, वाटर को क्या करें, निकाल दें, जैसे चिप्स बनाते हैं पानी निकल जाता है, तो उसको रख दो आप कई समय तक, लंब कितने भी दिनों तक वो आपका खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि पानी की वजह से भी फूड जो है वो स्पॉयल होते हैं। एक मेथड है पास्टुराइजेशन, बाय पैस्टुराइजेशन, ये लुईस पॉस्चर ने दिया था मेथड, और इस मेथड के अनुसार किसी भी लिक्विड मटेरियल को, जैसे कि दूध है, पैकेट वाला दूध होता है वो आपने देखा होगा, पैकेट का दूध कई दिनों तक खराब नहीं होता, पैकेट के चिप्स हुए, पैकेट में कोई भी आइटम आ रहा है, बंद डब्बे में बंद रसगुल्ले हुए, वो इसी मेथड से होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे दूध है आपका, इसको पहले 60-70 degrees तक पहले गर्म किया जाएगा, उबाला जाएगा, फिर इसको ठंडा किया जाएगा, ठंडा करने के बाद इनको थोड़ा सा गर्म करके इनको पैकेट्स में बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद ये फूड खराब नहीं होता है, इसको कहते हैं पैस्टुराइजेशन, और ये मेथड दिया था लुईस पॉस्चर ने। और स्टोरेज और पैकिंग, स्टोरेज और पैकिंग मैंने अभी बताया, जैसे चिप्स के पैकेट हैं और भी बहुत सारे जो पैकेट बंद आते हैं उनमें नाइट्रोजन डाल दी जाती है, जिसकी वजह से पैकेट में बंद होने पर हवा उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती, और एयर एंटर नहीं करेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के साथ होते हैं वो भी एंटर नहीं कर पाएंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड के अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहे तो वो स्पॉयल होगा ही नहीं। तो ये पैकिंग भी एक मेथड है जिसके द्वारा फूड स्टोरेज को बचाया जा सकता है। आपका चैप्टर का एक टॉपिक रह जाता है अब, जो है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन कह लो या फिर नाइट्रोजन साइकिल, कैसे नाइट्रोजन जो है वो एक साइकिल बना हुआ है, कैसे यूज होती है, कैसे हम तक पहुंचती है और दोबारा फिर वो उसी एनवायरनमेंट में मिल जाती है, ये नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं इसको, ये बताएंगे हम आपको कल। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।